बैंगलोर की टीम का सफर अब तक शानदार रहा और उसने अब तक खेले 7 में से 5 मैच में जीत हासिल कर ली और अंक तालिका में तीसरे पायदान पर काबिज है। सीजन के पहले राउंड के दौरान अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद आरसीबी की टीम के लिए पिछले 2 मैच मुश्किल खड़े करने वाले रहे। दिल्ली के खिलाफ आरसीबी की टीम को 1 रन से जीत मिली तो वहीं पंजाब के खिलाफ उसे 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की इसी स्ट्रगल को लेकर टीम इंडिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने टीम को ऐसी सलाह दी जैसे टीम एक बार फिर से उसी तरह परफॉर्मेंस देने लगेगी जैसा कि उसने टूर्नामेंट के पहले राउंड में किया। आईपीएल सीजन 14 में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली एक नई भूमिका में खेल रहे हैं। वो इस सीजन अपनी टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को आने वाले मैचों में वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, उन्हें ओपनिंग के बजाय नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। सहवाग ने कहा कि आरसीबी को युवा बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका देना चाहिए और उनको देवदत्त पडिक्कल के साथ ओपनिंग के लिए उतारना चाहिए। सहवाग रजत पाटीदार के प्रदर्शन से काफी नाखुश दिखाई। उन्होंने कहा कि पाटीदार की जगह टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका मिलना चाहिए। वीरेंद्र सहवाग ने इस बाबत कहा, मुझे लगता है कि विराट कोहली को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ जाना चाहिए।